सभी रामाश्रित आराधकों को सादर अभिवादन। आप जी का श्री रामचरित मानस के निर्मल भजन साधन की विनम्र प्रस्तुति में प्रणय पूर्ण स्वागतम। इस अत्यंत सुखदायक पाठ में गोस्वामी तुलसीदास जी आगे लिखते हैं, सीए निंदक अग ओग न साए, लोग बिसोग बनाई बसाए, बंदे कौशल लिया दसी प्राची, कीरिति जासु सकल जग माजी। भावार्थ, उन्होंने अपनी पुरी में रहने वाले सीता जी की निंदा करने वाले धोबी और उसके समर्थक पूर्ण नर नारियों के पाप समूह को नाश कर उनको शोक रहित बनाकर अपने लोक अथवा धाम में बसा दिया। मैं कौशल्या रूपी पूर्व दिशा की वंदना करता हूँ, जिसकी कीर्ति समस्त संसार में फैल रही है। प्रत्येव जय रघुपति ससी चारू, विश्व सुखद कर कमल तुसारू, दशरथ राव सहित सब रानी, सुकृत सुमंगल मूर्ति मानी, करे प्रणाम करम मन बानी, करहु कृपासुत सेवक जानी, जिन्हें ही बिरची बड़ भयु विधाता, महिमा अवधि राम पितु माता। भावार्थ, जहाँ कौशल्या रूपी पूर्व दिशा से विश्व को सुख देने वाले और दुष्ट रूपी कमलों के लिए पाले के समान श्री रामचंद्र जी रूपी सुंदर चंद्रमा प्रकट हुए, सब रानियों सहित राजा दशरथ जी को पुण्य और सुंदर कल्याण की मूर्ति मानकर मैं मन वचन और कर्म से प्रणाम करता हूँ। अपने पुत्र का सेवक जानकर वे मुझ पर कृपा करें, जिनको रचकर ब्रह्मा जी ने भी बढ़ाई पाई तथा जो श्री राम जी के माता और पिता होने के कारण महिमा की सीमा है। बंदे अवध भुआल सत्य प्रेम जेही राम पर बिछरत दीन दयाल प्रिय तनु त्रिन इव परिहरे हो। भावार्थ, मैं अवध के राजा श्री दशरथ जी की वंदना करता हूँ, जिनका श्री राम जी के चरणों में सच्चा प्रेम था, जिन्होंने दीन दयालु प्रभु के बिछुड़ते ही अपने प्यारे शरीर को मामूली तिनके की तरह त्याग दिया। प्रणवेउ परिजन सहित बिदेहु, जाहि राम पद गूर सनेहु, जो भोग मह राखेउ गोई, राम बिलोकत प्रगटेउ सोई। भावार्थ, मैं परिवार सहित राजा जनक जी को प्रणाम करता हूँ, जिनका श्री राम जी के चरणों में गूढ़ प्रेम था, जिसको उन्होंने योग और भोग में छिपा रखा था, परंतु श्री रामचंद्र जी को देखते ही वह प्रकट हो गया। प्रणवेउ प्रथम भरत के चरना, जासु नेम्र जाई न बरना, राम चरण पंकज मन जासु, लुबुद मधु इफ तजई न पासु। भावार्थ, भाइयों में सबसे पहले मैं श्री भरत जी के चरणों को प्रणाम करता हूँ, जिनका नियम और व्रत वर्णन नहीं किया जा सकता तथा जिनका मन श्री राम जी के चरण कमलों में भौरे की तरह लुभाया हुआ है, कभी उनका पास नहीं छोड़ता। सर्व समर्थ प्रभु के इस मंगलमय लीलाओं के गान में आप जी हमारे साथ नित्य निरंतर कथामृत का सेवन कर इसे अधिकतम उपयोगी बनाते रहे। सभी पुण्यात्मा भक्तों का जीवन अति आनंदमय हो।